नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वतखोर ट्रैफिक पुलिस कर्मी, वीडियो वायरल हुई, कर्मी को पड़ गए लेने के देने। पैसे नाही तो क्राइम ब्रांच का करूं। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा किस तरह से ये पुलिस कर्मी एक ऑटो रिक्शा चालक को रुकवा कर उससे पैसे मांग रहा है, रिश्वत ले रहा है। ये घटना है बीते सोमवार की कल्याण ईस्ट के चक्की नाका चौक की। यहाँ ड्यूटी पर मौजूद थे निवृत्तु मीनाम ने, जिन्होंने एक ऑटो चालक को रुकवाया। रुकवाने के बाद ऑटो चालक से रिश्वत के तौर पर 500 रुपए मांगे। ड्राइवर के पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने 100 रुपए देने की बात कह भी दी, लेकिन जनाब 500 पर अड़ गए और ये तक कह दिया कि अपने रिश्तेदार से पैसे मंगवा लीजिए। भला बताइए, एक तो अवैध काम, ऊपर से इतना शोषण, रिश्तेदार से पैसे मंगवा लीजिए, लेकिन इन्हें रिश्वत चाहिए ही चाहिए। आखिरकार जैसे तैसे ऑटो चालक ने 200 रुपए निकाले और इन पुलिस कर्मी को दे दिए, लेकिन बड़ी ही चालाकी से ऑटो चालक ने इनकी वीडियो बना ली। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गई। कल्याण सिटीजन फोरम ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने डीजीपी महाराष्ट्र, थाने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए ये लिखा कि मिनावने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस ट्वीट के बाद वहां पर रिप्लाई करने के लिए देखिए किस तरह से झड़ी लगी हुई है। तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई, सब ने एक स्वर में कहा कि हाँ, एक्शन तो बनता है। वीडियो वायरल हुई, लोगों का दबाव, उसके बाद उच्च अधिकारियों ने आखिरकार एक्शन ले लिया और इनको सस्पेंड कर दिया गया। इस खबर की पुष्टि करने के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने कल्याण ईस्ट ऑफिस के आला अधिकारी श्री मंदर धर्माधिकारी को फोन किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि कार्रवाई कर दी गई है और ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की RC और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।